स्वागत है आप सभी को सुमी की किचन में। तो आज का रेसिपी बसंती पुलाव। अगर दाल चावल सब्जी खाते खाते उब गए तो चले आज बसंती पुलाव का रेसिपी देखते हैं। तो बसंती पुलाव के लिए हमने भोग चावल जो आसाम में मिलता है जोहा चावल वो लिया है 2 कप मेज़र करके। यूजली वेस्ट बंगाल का डिश है ये, बंगाली ट्रेडिशनल डिश होगा ये बसंती पुलाव। एक बार हमने खाया था, मुझे बहुत पसंद आया तो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ रेसिपी। तो चलिए देखते हैं मिलके। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धोना है। वहाँ पे ये चावल जो बसंती पुलाव बनाते हैं तो गोपाल भोग चावल से बनाते हैं वो लोग, तो लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा आसाम का जोहा या भोग चावल। तो इसे हमें धो के पानी अलग करके रखना है, 80% कम से कम इसको ड्राई करना जरूरी है। तो अभी इसके लिए हमने गरम मसाला में लौंग, छोटा इलायची और दालचीनी बस इसमें मिक्स करते हैं, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लिया है हमने छोटा सा चम्मच का, हल्दी और ये है अदरक का पेस्ट जो ग्रेटेड करके लिया हमने, यहाँ बड़ा सा 1 चम्मच घी, उसके बाद में कुछ गरम मसाले। तो इसको अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो ये हल्दी देने का कारण इसे थोड़ा पीला रंग आ जाए, देखने में भी सुंदर। तो इसे कुछ देर हमें ढककर रखना है, रेस्ट करने देना है। उसके बाद में चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 2 बड़े चम्मच घी में आधा छोटा चम्मच का चीनी दिया है हमने। तो अभी ये सब मिश्रण इसमें डाल के हमें इसे अच्छी तरह से कम 5 मिनट फ्राई करना जरूरी है। तो फ्राई करते समय हल्का हाथ से फ्राई कीजिएगा, कहीं चावल टूट के टुकड़ा ना हो जाए। तो इसे हल्का हाथ से फ्राई करते रहना है एटलीस्ट 5 मिनट्स। अब ये अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद में अभी हम यहाँ पे गर्म पानी मिक्स करेंगे। और 2 कप चावल था, इसमें हम 4 कप गर्म पानी मिक्स कर रहे हैं। तो इसका मेजरमेंट यही है परफेक्ट, तो आपका बसंती पुलाव बहुत बढ़िया बन जाएगी। अगर आपको 4 कप चावल लेना है तो उसमें 8 कप पानी लेना जरूरी है। अगर आपका फैमिली मेंबर्स ज़्यादा है, ज़्यादा बनाने जा रहे हैं तो मेज़रमेंट ठीक रखेगा। उसके बाद में इसे हमें उबल आने तक वेट करना है। उसके बाद हमें इसे ढक कर 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। तो अभी इसे देखिए, ये ऑलमोस्ट बन गया आधा। तो अभी इसे हम 2 या 3 मिनट फिर कवर करके ढक्कन को ढक कर इसे छोड़ देते हैं, जो अच्छी तरह से चावल पक जाए। बहुत लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी देकर बनाते हैं और चीनी भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चीनी वाला पसंद नहीं है तो हमने कम चीनी में तैयार किया है। तो आज का लंच हमारे बसंती पुलाव के साथ में चिकन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप आलू दम इसमें परफेक्ट मैच रहेगा, बसंती पुलाव और निरामिष आलू दम बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ लोकल चिकन तैयार किया है हमने लंच के लिए। तो इस तरह से हमने बसंती पुलाव बनाया है। तो लास्ट में हमें इसमें ग्रीन चिल्ली 3 या 4 आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे हमारा लंच तैयार हुआ है। अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद है तो ज़्यादा घी डाल सकते हैं। तो हम नॉर्मली ऑयली खा रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच घी के साथ में आज बसंती पुलाव बन गया है हमारा। तो देखिए चावल भी अभी पक के रेडी परफेक्ट। तो अभी इसे हम सर्व करेंगे लंच में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने आज तक बसंती पुलाव नहीं खाया तो चलिए खा के थोड़ा कलकत्ता का फील कीजिएगा। हमने एक बार खाए थे इसीलिए हमें ये बहुत पसंद है, बनाने भी इजी, खाने में भी मज़ा, और एक्स्ट्रा लंच तैयार कर सकते हैं। आप कोई गेस्ट बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ बना के खिलाएगा, गेस्ट भी खुश, आप भी खुश। इस तरह से हमारा लंच तैयार हुआ आज का, चिकन बसंती पुलाव और कुछ सलाद के साथ में हमने ऐसे सर्व किया था। तो फिर ऐसे सुमी के साथ बने रहे, फिर और ज़्यादा वेराइटीज़ लेकर आने वाली हूँ। बाय बाय।